26 जनवरी यानी कि गणतंत्रता दिवस सभी भारतवासियों के लिए एक गौरवपूर्ण दिन है। इस दिन पूरे देश में उत्साह और उमंग की लहर दौड़ उठती है। गणतंत्रता दिवस को मनाने के लिए देश के लोगों में एक अलग ही जोश होता है। ऐसा ही एक दिन था 26 जनवरी 2001। लोगों में गणतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह और उल्लास था। सभी इस दिन को मनाने के लिए खुश हो उठे थे। लेकिन इसी दिन गुजरात में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि ये खुशी मातम में बदल जाती है। सुबह के लगभग 8:46 पर गुजरात में एक भयानक भूकंप आता है और बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हो जाती है। हजारों की संख्या में लोग मरते हैं और लाखों की संख्या में लोग घायल होते हैं। स्कूलों से लेकर अस्पतालों तक सब कुछ ढह जाता है और 26 जनवरी का ये पावन दिन गुजरात के लोगों के लिए एक मातम का दिन बन जाता है। गुजरात में आया हुआ ये अर्थक्वेक डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक था इंडिया में। इसकी इंटेंसिटी रिक्टर स्केल में मेजर की गई थी 7.7, जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मानी जाती है। अर्थक्वेक के आने का एक मेजर कॉज होता है टेक्टोनिक प्लेट्स में आने वाली मूवमेंट। बेसिकली हमारे अर्थ के अंदर तीन लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। हमारे अर्थ का अपर मोस्ट सरफेस बना हुआ होता है क्रस्ट लेयर और मेंटल लेयर के एक छोटे से पार्ट से। ये सरफेस अलग अलग पीसीस से मिलकर बनता है और उन पीसीस को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स। अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट ये प्लेट टेक्टोनिक्स धीमी गति से मूवमेंट करती रहती है। इन्हीं प्लेट टेक्टोनिक्स के एजिस को प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है। प्लेट बाउंड्रीज में फॉल्ट पाए जाते हैं, तो फॉल्ट बेसिकली अर्थ की क्रस्ट में पाए जाने वाले फ्रैक्चर्स होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के एजेस अनइवन या फिर रफ होते हैं। अब इसी रफनेस की वजह से एक अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से फॉल्ट एक ही जगह पर स्ट्रक रह जाते हैं, जबकि बाकी की टेक्टोनिक प्लेट अपनी मूवमेंट से चलती रहती है। अब जब फॉल्ट्स एक जगह पर स्ट्रक रह जाते हैं और बाकी की प्लेट मूव करने लगती है, तो जिस एनर्जी की वजह से फॉल्ट्स मूवमेंट करते हैं वो एनर्जी एक ही जगह पर स्टोर हो जाती है। अब जब दो फॉल्ट्स में से कोई भी एक फॉल्ट फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाती है, तो इसकी वजह से सारी स्टोर्ड एनर्जी रिलीज हो जाती है सिस्मिक वेव्स के रूप में, जिसकी वजह से एक अर्थक्वेक आता है। गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था, इनिशियल ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा था कि गुजरात का अर्थक्वेक कच्छ मेनलैंड फॉल्ट में आया था, लेकिन बाद के ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा कि फॉल्ट एक्चुअली नॉर्थ वगार्ड रिवर्स फॉल्ट यानी कि NWF में आया था, ना कि कच्छ मेनलैंड फॉल्ट में। इस दौरान जो फॉल्ट्स की स्लिपिंग थी वो 1 से 4 मीटर के बीच थी। गुजरात में आए अर्थक्वेक को एक ब्लाइंड अर्थक्वेक कहा जाता है। इस अर्थक्वेक में टोटल 90 सेकेंड्स के लिए वॉयलेंट शेकिंग हुई थी अर्थ के सरफेस में, और इन 90 सेकेंड्स के अंदर इस अर्थक्वेक ने गुजरात में तबाही मचा दी थी। इस अर्थक्वेक की वजह से टोटल 13,800 से ज्यादा लोग मारे गए, 1,67,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट, जो कि सिर्फ 20 किलोमीटर दूर था एपिसेंटर से, वहां पर 12,300 लोगों की मौत हो गई थी। गुजरात की अमजर तहसील के खत्री चौक नाम की जगह पर 143 स्टूडेंट्स और टीचर्स, जो कि वहां 26 जनवरी की परेड के लिए इकट्ठे हुए थे, उस अर्थक्वेक की वजह से सभी मारे गए। इसके अलावा इस अर्थक्वेक की वजह से मिलियन से भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स डैमेज हो चुके थे। गुजरात के भचाऊ और अंजर तहसील के लगभग 40% से ज्यादा होम्स, 8 स्कूल, 2 हॉस्पिटल और 4 किलोमीटर से ज्यादा रोड नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो चुका था। गुजरात का हिस्टोरिक स्वामीनारायण टेम्पल बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चर हेरिटेज ने कच्छ और सौराष्ट्र की 250 से ज्यादा हेरिटेज बिल्डिंग्स को इंस्पेक्ट किया और ये पाया कि 40% से ज्यादा बिल्डिंग्स या तो कोलैप्स हो चुकी थी या फिर सीरियसली डैमेज हो चुकी थी। सिर्फ 10% बिल्डिंग ऐसी थी जो कि अनडैमेज रह गई थी। गुजरात की कॉमर्शियल कैपिटल अहमदाबाद में भी इस अर्थक्वेक के सीधे इम्पैक्ट देखे गए थे। यहाँ पर लगभग 50 से ज्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुकी थी। वहीं इस अर्थक्वेक का इम्पैक्ट गुजरात से बाहर भी देखने को मिला। पाकिस्तान के सिंध एरिया में भी इस अर्थक्वेक की वजह से लगभग 18 लोग मारे गए थे। ये अर्थक्वेक इतना डेवास्टेटिंग था कि इसके इम्पैक्ट्स राजस्थान, मुंबई, दिल्ली और इसके साथ ही कोलकाता में भी महसूस हुए थे। गुजरात के कच्छ एरिया में 60% से ज्यादा फूड एंड वाटर सप्लाई डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और 2,58,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके थे। इस अर्थक्वेक की वजह से गुजरात में एस्टिमेटेड $7.5 बिलियन की प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था।
इस डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक की वजह से गुजरात को भारी सोशल और इकोनॉमिक लॉसेस का सामना करना पड़ा था। अब इस भारी लॉस से रिकवरी करने के लिए गुजरात की गवर्नमेंट ने 4 महीने के बाद गुजरात अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को अपनाया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक बिल्डिंग्स और घरों की रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग करना था। इस पॉलिसी के अंदर कंस्ट्रक्शंस की रीबिल्डिंग के लिए $1.77 बिलियन की एक एस्टिमेटेड कॉस्ट तय की गई थी। इसके साथ ही गुजरात की गवर्नमेंट ने 4 पैकेजेस में $1 बिलियन का एक कम्बाइंड पैक बनाया, जिसने कि गुजरात की 3 लाख से ज़्यादा अफेक्टेड फैमिलीज को रिकवरी के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराई। अर्थक्वेक की वजह से तबाह हो चुकी स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए भी गवर्नमेंट ने $2.5 मिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया था। इस डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक से गुजरात को रिकवरी करने के लिए इंटरनेशनल कंट्रीज ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। एग्जांपल के तौर पर कनाडा ने $2 मिलियन की हेल्प की, पाकिस्तान ने 13 टन का रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड कराया, वहीं यूके ने $10 मिलियन की हेल्प की और यूएसए ने भी $5 मिलियन तक रिलीफ सप्लाईज प्रोवाइड कराई। इन कंट्रीज के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज ने गुजरात को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराई थी। गुजरात में आया ये अर्थक्वेक श्योरली एक बहुत ही डेवास्टेटिंग और डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक था, और इस अर्थक्वेक से रिकवरी करने में गुजरात को एक लंबा टाइम पीरियड लग चुका था। इस अर्थक्वेक को हम इंडिया का मोस्ट डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक भी मान सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप सभी से मुलाकात होगी अगली वीडियो में।